हटो हटो रो, ए इधर आ जा, इधर इधर बस तीनों जी उधर ही पीछे पीछे ये पीछे ये पीछे बाबा रुक रे बाबा पीछे लो ना यार रुक एक मिनट रूम है पीछे लो टीना जी सेंटर में कैसे हो मैम मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बिग बॉस का अरे रुको जरा विजुअल सुनने दो मैम मैम आपने आपने तो बहुत टीना जी टीना जी लुक कैमरा सेंटर टीना जी आपने देख लिया थोड़ा पीछे आएंगे तो वाइट शॉट ले सकते हैं चलो आ जाओ सब लोग आ जाओ सब लोग पीछे आ जाओ फुल वाइट शॉट ये थोड़ा पार्टी है आगे का घुस रहा है पार्टी है ना जरा सा नहीं आ रहे जरा देखो तुम्हारा अपना पीछे ठीक है ना हाँ हाँ तो चलो बाय कितने टाइम के बाद मैं ठीक हूँ जाने के टाइम मिली थी आई नो ट्रू दैट आपको मिली थी मैम अच्छा था रोलर कोस्टर राइड था अप्स एंड डाउन से गुड डेज बैड डेज अगली डेज सब कुछ देखा है मैंने सो इट्स लाइक सर्वाइव्ड एन एंटायर 4 months इनसाइड द हाउस ये तो CID वाला सवाल हो गया आई थिंक आप लोग पता कीजिए कौन है जुजू बट आई थिंक सम मिस्ट्री मिस्टीरियस रहे वही बेहतर है अचानक से तो नहीं बोलूँगी 8-9 हफ्ते से हम लोग साथ में हैं और वो बहुत इवेंचुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ है एंड बहुत टाइम के बाद हमारी दोस्ती हुई है सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल फ्रेंडशिप और आगे भी हम दोस्त रहेंगे और आगे भी हम मिलने वाले हैं शायरी वाला माहौल अभी चल रहा था आई स्वेर वो तो अलग ही लेवल का टैलेंट है मतलब उसका अर्चना जो अचानक से उनके अंदर शायरी का भूत जगा है बट यू नो वो भी एक टैलेंट होता है आपको कोई बोले अचानक से शायरिया बना आप नहीं बना पाएंगे बट शीज गुड शीज इम्प्रॉम टू मतलब मस्तीखोर है बहुत अच्छी अच्छी शायरिया बना रही थी प्रियंका और अर्चना को डेफिनेटली उन दोनों को मिस कर रही हूँ बिग बॉस के घर में क्या मिस कर रही थी बाहर आने के बाद की आई थिंक मैंने प्रियंका की फ्रेंडशिप मिस कर रही थी वो घर के अंदर जो हम लोग सब चिल करते थे मस्ती कर रहे थे वो घर में मिस कर रही थी बिग बॉस का आवाज़ में मिस कर रही थी इसके अलावा तो कुछ और डेफिनेटली नहीं मिस कर रही थी अभी तक तो नहीं मिलना हुआ है मैं खुद ही बिजी थी तो डेफिनेटली मैं किसी से नहीं मिल पाई बट मेरी अंकित से बात हुई है और किसी और से बात नहीं हुई है अभी तक प्रियंका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है शिव ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है तो डेफिनेटली शिव और प्रियंका तो टॉप 2 में जाने वाले हैं 110% एंड आई थिंक स्टैन भी कहीं ना कहीं टॉप 3 तक जाना चाहिए ही इज एन अमेजिंग होस्ट यार सलमान खान तो दिल जीत लेते हैं सबके सबके प्यारे हैं सो आई लव सलमान सर पापा मम्मी सबको बहुत मिस किया था स्पेशली जब लोग आपको बहुत भला बुरा कहते हैं और आपकी जब थोड़ा सा लो फील करते हैं तो डेफिनेटली उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मम्मी पापा या घर वालों की दोस्तों की बहुत ज़्यादा याद आती थी इट्स लाइक शी इज गॉट टिकट टू फिनाले ऑन अ प्लेटर यार आई मीन वो बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए अनफेयर होता है जब मैं थी मेरे लिए भी अनफेयर था वो डेफिनेटली अनफेयर था मतलब आप बिना कोई टास्क किए ना ऑडियंस के वोट के जरिए ना किसी के जरिए अगर आपको टिकट टू फिनाले मिल जाता है सो आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली अनफेयर
बेस्ट डे, बहुत सारे बेस्ट डेज थे. आई थिंक माई फर्स्ट एंट्री इन साइड दी हाउस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज यार, लिविंग दैट मोमेंट. उसके बारे में नहीं बात करनी है मुझे. अगर एक दिन अगर आपको अगर बोला जाए, जैसे कि आपका बर्थडे भी बहुत स्पेशल था और भी कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ भी कोई कुछ डेज बहुत अच्छे गए, आई थिंक मैं टास्क बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी. जो नॉमिनेशन कैप्टनसी का, जो नॉट नॉमिनेशन का टास्क बट कैप्टनसी का टास्क, या जो भी घर में टास्क होता था ना कि कैप्टनसी दावेदारी से हटाना, वो जो टास्क होते हैं और वो गेम्स खेलना पड़ता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा मैं इंजॉय करती थी. 24 घंटा लड़ाई होता है, कोई अपना आ जाए, जैसे कि आपकी मम्मी आई थी, तो कैसा फील होता है? डेफिनेटली आपको बेटर फील होगा, यू नो, अगर आप घर वालों से, सबसे, मोबाइल से, पूरे दुनिया से डिटैच्ड है और सबसे अलग है, तो डेफिनेटली कोई अपना आ जाते मिलने के लिए तो एक पॉजिटिव वाइब हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है. सलमान सर इज एन अमेजिंग होस्ट. मतलब सलमान सर नहीं है तो आई थिंक बिग बॉस का जो रौनक है वो कभी नहीं हो पाता है. सलमान सर का बेस्ट पार्ट क्या है ना, सलमान सर सुनते हैं. अगर आप कुछ कहने की कोशिश करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, दूसरे होस्ट नहीं सुनते आपकी बातें, बट सलमान सर आपको वो मौका देते हैं, और मतलब बोलने का मौका देते, सुनने समझने का मौका देते हैं. ही इज़ नॉट अ बायस्ड होस्ट, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है सलमान सर के बारे में. बिग बॉस जैसे शुरुआत हुई, वो लोग बहुत अच्छे से देखते थे आपका और सानी का, बहुत अच्छा रिलेशन. आई थिंक ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए गेम के पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए, आई थिंक निमृत इज़ नॉट डिजर्विंग, सुम्बुल इज़ नॉट डिजर्विंग. वाई? बिकॉज सुम्बुल को हर हफ्ते जगाया जाता था कि यू नो वेकअप कॉल दिया जाता है. आई थिंक वो अनफेयर हो जाता है. आई अंडरस्टैंड एंड आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि सुम्बुल के बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग्स है बाहर, उसने अभी अभी एक शो किया है, जो भी है. बट अगर ये तो वही बात हो गई ना कि आपके फैन फॉलोइंग्स बाहर बहुत तगड़ा है, तो आप अंदर जाके चिल कर सकते हो और कुछ भी ना करो, आप टॉप तक, फिनाले तक या टॉप 5 तक पहुँच जाएंगे. तो मुझे वो लगता है कि इट्स नॉट फेयर टू द अदर कंटेस्टेंट्स जो डे 1 से मेहनत करते हैं, बिकॉज सुम्बुल इज़ अ वन कंटेस्टेंट जो हर हफ्ते, मतलब सेकेंड वीक से सुम्बुल को वेकअप कॉल दिया जाता है. अभी भी एपिसोड में बोला जाता है कि एक बार नच करो, देखो वो जाग रही है कि नहीं, तो वो थोड़ी सी अनफेयर हो जाती है. तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आपके फैंस ने आपको इतने वोट्स नहीं दिए हैं? मेरे को वोट्स तो डेफिनेटली मिले हैं, बट इट्स अ लॉट ऑफ थिंग दैट गोज ऑन इन द एंटायर प्रोसेस. इज नॉट ओनली वोट्स, यू नो, इट्स अ लॉट. ओके गाइस, सो थैंक यू. लोगों को बहुत से प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, क्या आप भी, आपके कोई नए प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, सो लेट्स सी. आई एम गोना बी, जो अच्छा होगा, जो मुझे लगेगा कि यही करना है, आई एम गोइंग टू गो इनटू दैट. वेल, लोग ये भी कह रहे हैं कि टॉलीवुड में आप दिखने वाली, क्या ये बात सच है? बातें चल रही है, मुझे नरेटिव क्रिएटिव मीटिंग के लिए जाना है, नरेशन के लिए जाना है, सो लेट्स सी. सब जानना चाहते हैं कि आपको सालिना ट्रू लव है, आप एक लव है. हां, थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय. रोहित, रोहित रुकना दो मिनट मैम, लुक गाइस, सिर्फ यहाँ ही देखना है, फोटो ले रहा हूँ ईशान के लिए ना, वो मैं नहीं बंटी बंटी ओके मैम, थैंक यू टीना जी. मैम, अरे कौन है, कौन है? अरे सॉरी, अरे ऑफिस में जाके लेना, अंदर ऑफिस में क्यों, इधर हिला रहा है मेरे को, हिला रहा है. सॉरी भाई, सीना जी आ जाइए.